सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज भी इंसाफ के इदारों से अपील की है। आपने सुना होगा वो के जी वो कहते हैं कि वो ज़मीर बेचने वालों के खिलाफ क्यों नहीं सुमोटो लेते हैं, तो अब क्या आपको लगता है औरिया साहब के जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको देखकर इदारों पर प्रेशर आएगा अवाम का, और जो दीगर इदारे हैं वो भी इमरान खान की मकबूलियत और उनके जो जलसे हैं उसमें लोगों की तादाद को मॉनिटर तो कर रहे होंगे। बहरहाल कहने वाले तो कह देते हैं सियासी पार्टियां खासतौर पे मुखालिफिन के जी ये तादाद इतनी नहीं थी इतनी थी, ऐसी ऐसी तस्वीर लगा दी जाती हैं, शायद मेरे ख्याल से वो पार्किंग से ले ली जाती हैं, वहाँ से ले ली जाती हैं उस एंगल से कि जहाँ पर तादाद बहुत कम नज़र आ रही होती है। देखिए, अदारे मॉनिटर तो कर रहे हैं, अदारे बल्कि बहुत इस वक्त परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि इतना शदीद रिएक्शन आएगा। आप खुद देखें ना कि एक अदारा जो है वो बहुत एक्टिव था अपने ट्वीट के ऊपर, वो 9 अप्रैल को आखिरी ट्वीट करता और एक महीने तक वो ट्वीट नहीं कर पाता, खामोश हो जाता है। ये कितनी बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये बड़ी सोचने की बात है। पहले उन्होंने सोचा कि शायद ये कि मॉनिटर हो रहा है, उसके बाद लोगों ने पकड़ा भी, लेकिन फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये एक सूरत हाल बन चुकी हुई है। अब उनको गलती का एहसास भी है, लेकिन मसला सारा यह है कि वो कैसे उसको हैंडल करें। आसान बात इसलिए नहीं है कि जो लोग जिन्होंने असर के वक्त रोज़ा तोड़ा है, अपोजिशन जो थी जो अब हुकूमत में शहबाज शरीफ हैं, वो समझते हैं कि हम साल डेढ़ साल के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म कर लेंगे, कुछ इमरान खान के केसेस निकाल के बदनाम कर लेंगे, इस तरह की 3-4 चीज़ें करने के बाद। ऐसा होता नहीं होता, उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सब्र और चैन नहीं है किसी के अंदर। भुट्टो के खिलाफ जब मूवमेंट चली थी, जब 77 के अंदर आपको पता है कि लाहौर में एक भट्ट साहब होते थे, उन्होंने एक जुलूस निकाल दिया था, तो भुट्टो ने गवर्नर को बुलाया और उसने कहा तुम मेरे पागल, तुम मेरे दुश्मन हो, हुकूमतें भी कभी जुलूस निकाला करती हैं, तुमने तो उनको जिंदा कर दिया। और वही हुआ, रतन सेनमा का उनका होता था, रतन सेनमा में से फायरिंग हुई, लोग चढ़े, उन्होंने वहाँ से लोगों को उतारा, उनको मार दिया, क्राउड ने मार दिया। आप मुझे ये बताइए कि मरियम नवाज जब जलसा करेगी, इमरान खान अगर जलसा करते हैं धरने की तरह 5-6 महीने अकेले करते 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 एक फटीग आ जाती है, एक थकन आ जाती है, लोग समझते हैं कब इलेक्शन आएंगे तो फिर देखेगा। लेकिन जिस वक्त मुकाबले पे गवर्नमेंट जलसे शुरू करती है तो एक तो यह है कि गवर्नमेंट के जलसों को लोग हमेशा यही कहते हैं कि ये लोग इकट्ठे किए गए हैं, उन पर एक ब्लेम रहता है, और दूसरी बात जो होती है कि वो डिफेंसिव पे होती है, तीसरी बात यह वो अपोजिशन की तरह कार्ड नहीं खेल सकती, चौथी बात यह होती है कि आप इमरान खान का रोज अखाड़ा लगाएंगे, आप तो जिंदा करेंगे ना उसको। तो असल मसला यह है कि ये मुझे लगता यह है कि ये इलेक्शन आपको कराने ही पड़ेंगे, खा कुछ हो जाए। ये एक महीने के अंदर अंदर बात इतनी बढ़ जानी है कि या इलेक्शन तो या फिर कुछ और ही होगा। फिर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।